चलो बताओ अपने गांव के बारे में। देखो मारा तो। इनका गांव है यही बता रहे क्या गांव गांव के बारे में देखो। मैं सोया था इधर, यहाँ पे एक चारपाई लगा हुआ था और मैं यहाँ पे सोया था। तो यहाँ से बाहर का नज़ारा ये है। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, 7 o'clock हो चुके हैं मॉर्निंग के। इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, पर ठंडी है क्योंकि अभी भी मैं सोकर उठाऊँ तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगनी चाहिए मुझे। तो यहाँ से कोहरा लगा हुआ है, कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। ये एक ढाबा है तो इसलिए गाड़ी खड़ी है। हेलो एंड हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रिगलिस्तान चैनल पे। मेरा नाम है मद्रिगल और आज मैं यहाँ से निकलूँगा कानपुर की ओर, मतलब मेरी यात्रा कानपुर की ओर है। प्रयागराज से कल निकला था तो देखते हैं आज कहाँ तक की राइड होती है। कल 55 किलोमीटर की हुई थी और आज कुछ इससे ज़्यादा 100 किलोमीटर तक करने की कोशिश करेंगे, पर हाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये ढाबा है जहाँ पे मैं रुका था और यहाँ के नज़ारे हैं। और मैं रेडी होने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो मैं ढाबे में बैठ के आराम से अभी चाय पी रहा हूँ, थोड़ा नाश्ता करके यहाँ से आगे निपड़ेंगे। तो ठंडी बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह मेरा नाश्ता आ चुका है, कुछ 1 घंटा लगा पर आया ज़रूर। तो ये नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा कानपुर की ओर। पता नहीं आज कितना राइड हो पाएगा, पर हाँ पहले नाश्ता कर लेते हैं। मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लगी है। तो मेरी साइकिल लगी है इधर यहाँ पार्किंग करके, तो यहाँ से अब मैं निकलूँगा आगे की ओर। चलिए भैया जी। हाँ ओके भैया जी। तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि नाश्ता करते वक्त बहुत इंतज़ार करना पड़ा मुझे एक पराठे के लिए। तो यहाँ के सुबह सुबह के नज़ारे ऐसे हैं, कुछ सुबह सुबह नहीं कह सकते यार, 9 बज चुका है। तो हाँ अभी भी कोहरा लगा हुआ है और ठंडी हाथों पे अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे पड़ रही है, पर उतना भी ज़्यादा नहीं क्योंकि पीछे सन है तो हमें थोड़ी सी सन बात मिलती रहेगी। हाँ तो ये राइडिंग करते करते जलेबी का मज़ा लिया जा रहा है क्योंकि हमें मीठा पसंद है। और कुछ मैं 10 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, मैं 15 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक मतलब ये भाई साहब गन्ना बेच रहे थे, तो इनसे गन्ना लेके गन्ना खाने की कोशिश करो, मतलब कोशिश क्या, गन्ना खाने वाला मीठे का शौकीन है, तो जहाँ जहाँ मीठा मिला वहीं वहीं घुस जाते हैं। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम निकलेंगे आगे की ओर, तो कुछ देर के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। कुछ नहीं, कुछ तो बताओ, नहीं बताना, अरे क्या मुस्कान है बंदे, दिखता है देखो मुस्कान, दिखता है देखो बंदे। चलो बताओ अपने गांव के बारे में। देखो मारा तो। इनका गांव है यही बता रहे क्या गांव गांव के बारे में देखो। और लगभग लगभग आज 40 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ मैं, आपको अभी पहुँचने वाला हूँ। तो यहाँ का ये नज़ारा है, काफ़ी मतलब ठंड सा मौसम है आज, ज़्यादा मतलब धूप इतना ज़्यादा कड़क धूप भी नहीं लगा हुआ है, कोहरा अभी भी है बाकी। तो अब तो शायद ऐसा ही मौसम रहेगा यूपी में मेरे को लग रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
आज कुछ 70 किलोमीटर राइड हो चुका है और बस फतेहपुर पहुंच गया हूँ। लगभग लोग अब 10-12 किलोमीटर बाकी है, तो ये है अब मतलब सनसेट भी होने वाले हैं। आज फतेहपुर में रुकना पड़ेगा, तो देखेंगे उधर कहाँ रहता है, बैठने का ठिकाना कहाँ होता है, रुकते फिर उसके बाद कल वहाँ से आप कानपुर जाओ। तो ये है, तो मैं हूँ एक ढाबे पे अभी रुका हुआ और काफ़ी अंधेरा दिख रहा है, पर क्योंकि उतना ज़्यादा भी अंधेरा नहीं है, कैमरा पे भी अंधेरा दिख रहा है, तो हाँ तो आज मैं ही रुकूँगा। तो आज का जो था यही था शॉर्ट में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय।